नमस्कार। 2024 के लोकसभा चुनावों की सरगर्मियां अब लगातार बढ़ती दिखाई दे रही है। देश भर में इन तमाम चीजों को लेकर आकलन और अनुमान भी चल रहे हैं। राजसमंद भी इससे अछूता नहीं है। राजसमंद में भी अब धीरे धीरे चेहरे स्पष्ट हो रहे हैं। कुछ चीजें चेहरों के रूप में सामने आ रही है तो कुछ चीजें पार्टियों की अलग अपनी अपनी गतिविधियों के रूप में सामने आ रही है। भाजपा और कांग्रेस दोनों ही बड़ी मजबूत तरीके से अब बैठक मीटिंग लोगों के राय मशवरे के माध्यम से अपने लोकसभा क्षेत्र के आगे आने वाले चेहरे तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस में कुछ आवेदन आए हैं, बड़े स्पष्ट रूप से आवेदन आए हैं, उन चेहरों पर भी चर्चा करेंगे। भारतीय जनता पार्टी में बताया जा रहा है कि अभी बिल्कुल स्पष्ट रूप से आवेदन तो नहीं आए हैं शायद, मगर राय मशवरे के माध्यम से लोगों की अलग अलग फीडबैक के माध्यम से चेहरे तय करने की कोशिश की जा रही है। कुछ चेहरे जो इन दिनों सक्रिय भी नजर आ रहे हैं उन पर भी चर्चा करेंगे। तो ये जो पूरी राजनीतिक कवायद है, कांग्रेस में जो पर्यवेक्षक हैं वो बैठ के लगातार कर चुके हैं, दो तीन बैठक हो चुकी है। बैठक के माध्यम से किसी अलग अलग चेहरों के माध्यम से होते हुए किसी एक चेहरे तक पहुंचने की कोशिश हो रही है। जो पहले जो आवेदन आए थे उसमें बताया जा रहा है कि 5 आवेदन आए थे, उसके बाद कुछ और भी लोगों ने इसमें इंटरेस्ट दिखाया है। वैभव राज सिंह, मनीष सिंह राठौड़ के साथ साथ फिर और भी कुछ चेहरे, मैं विशुद्ध रूप से राजसमंद जिले की 4 विधानसभा क्षेत्र के चेहरों पर चर्चा करूंगा। बगड़ की तरफ से जो फीडबैक मेरे पास भी आया था, विश्वंबर कृष्ण सिंह लंबे समय से सरपंच की राजनीति कर रहे हैं, वो भी कहीं ना कहीं उसमें इंटरेस्टेड दिखाई देते हैं। सुदर्शन सिंह का नाम बड़े ही लगातार मजबूती से सामने आ रहा है। हालांकि न सुदर्शन सिंह जी न उनके समर्थक इस बात को की पुष्टि कर रहे हैं, परंतु चर्चाओं में उनका नाम बना हुआ है। कहीं ना कहीं उस मगरांचल क्षेत्र के एक मजबूत चेहरे के तौर पर वो दिखाई देते हैं, तो फिर ऐसी स्थिति में उनके नाम की लगातार चर्चाएं बनी हुई हैं। वो चुनाव लड़ना चाहते हैं नहीं चाहते हैं वो अभी तक कोई स्पष्ट हुआ नहीं है। और ऐसे भी क्योंकि राजनीतिक परिदृश्य में देखा जाए तो पिछली बार तकरीबन 5.5 लाख का डिफरेंस रहा था भाजपा और कांग्रेस के बीच, तो इससे एक बहुत सहजता से अनुमान लगाया जा सकता है कि कांग्रेस के लिए इतना आसान ये चुनाव क्षेत्र है नहीं। तो कांग्रेस पूरी कोशिश कर रही है कि किस तरह से इस मुश्किल रण क्षेत्र में एक मजबूत चेहरे के माध्यम से एक अच्छी लड़ाई लड़ी जा सके। तो उसको लेकर लगातार चीज़ें चल रही है, चीज़ें भाजपा में भी चल रही है। वहाँ पर भी जो क्लस्टर प्रणाली आई है उनके माध्यम से जो नियुक्त किए गए हैं वो लगातार बैठक के माध्यम से, लगातार अलग अलग फीडबैक के माध्यम से, लोगों के राय मशवरे के माध्यम से किसी एक चेहरे तक पहुंचने की कोशिशें शुरू कर चुके हैं। और जो अलग अलग चेहरे राजनीतिक परिदृश्य में दिखाई भी दे रहे हैं, अलग अलग चर्चाओं के माध्यम से दिखाई दे रहे हैं, राजेंद्र सिंह राठौड़ का नाम निकल कर आता है, बीच में राजसमंद आए भी थे, बताया जा रहा है कि एक मजबूत चेहरा वो इस आगे आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के चेहरों के बीच में होने वाले हैं। बड़े नेता है, बड़ा नाम है, और राजसमंद लोकसभा क्षेत्र बताया जा रहा है कि वो जिस प्रकार से सक्रियता उनकी दिखाई दे रही है तो उनकी एक उस आगे वाली जो राजनीतिक कवायदे हैं उनका एक हिस्सा हो सकता है। तो राजेंद्र सिंह राठौड़ का नाम लगातार सुर्खियों में चल रहा है। उनके साथ साथ एक चेहरा अभी इन दिनों और भी सक्रियता के साथ अलग अलग कार्यक्रम में नजर आ रहा है। उन चेहरे की सक्रियता की चर्चा उस दौर में हुई थी जब विधानसभा चुनाव नहीं हुए थे, मगर उन्होंने हालिया नाथद्वारा विधायक विश्वराज सिंह मेवाड़ के साथ भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की थी, और उस वक्त ये चर्चा चलती थी कि आखिर आगे जाकर इनका क्या राजनीतिक भविष्य, कहाँ से क्या कुछ चीज़ें इनके पक्ष में जाने वाली है। तो इन दिनों वो राजसमंद लोकसभा क्षेत्र में लगातार घूम रहे हैं। एक बड़े राजनीतिक परिवार से आते हैं भवानी सिंह कालवी, बड़े नेता, बड़े राजनीतिक चेहरे और राजपूत समाज के एक बहुत वरिष्ठ बड़े सम्माननीय नाम लोकेंद्र सिंह कालवी के पुत्र हैं। लगातार इन दिनों राजसमंद लोकसभा क्षेत्र में सक्रिय हैं, अलग अलग कार्यक्रमों के माध्यम से अपने आप को लोगों के बीच में पहुँचाना चाह रहे हैं। स्पष्ट संकेत के रूप में अगर समझे जाए तो बड़े स्पष्ट हैं कि लोकसभा चुनाव को लेकर अपने आप को एक चेहरे के रूप में प्रस्तुत करने की लगातार कोशिश हो रही है। मानसिंह बहरट जो भारतीय जनता पार्टी का हालिया जिला अध्यक्ष है, वो भी लगातार अब बड़े खुले तौर पर इन चीज़ों को लेकर सामने आ रहे हैं कि लोकसभा के लिए वो बिल्कुल पूरी तरह से इंटरेस्टेड दिखाई देते हैं, कोशिश कर रहे हैं कि लोकसभा चुनाव में इस बार किसी एक स्थानीय चेहरे पर भारतीय जनता पार्टी विश्वास जताए। मजबूत सीट है, मजबूत सीट के हालातों को देखते हुए मानसिंह भारत कोशिश कर रहे हैं कि स्थानीय चेहरों में वो अपने आप को मजबूती से पेश करें और आगे आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी को विश्वास दिला सके कि वो यहाँ से एक मजबूत चेहरा हो सकते हैं। तो मानसिंह भारत भी लगातार इन कोशिशों के माध्यम से अपने चेहरे को इस पूरी दौड़ में बनाए रखे हुए हैं। अरविंद सिंह राठौड़ हालिया प्रधान राजसमंद, वो भी बड़ी ही जिज्ञासा के साथ, बड़ी ही उमंग के साथ इस पूरी राजनीतिक हलचल का अपने आप को हिस्सा बनाए हुए हैं। वो भी कोशिश कर रहे हैं कि मैं भी इस चुनावी समर में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर उतर सकूं। और जो राजनीतिक समीकरण में हालांकि कई बार जातीय स्थितियों परिस्थितियों को देखा जाता है, राजपूत समाज के पक्ष की स्थितियाँ यहाँ मानी जाती रही है राजसमंद लोकसभा क्षेत्र अलग बनने के बाद,
तो उन परिस्थितियों को देखते हुए भी अरविंद सिंह राठौड़ लगातार कोशिश कर रहे हैं कि ये भी एक चेहरा बनकर यहाँ निकले, एक दावेदार के रूप में यहाँ दिखाई दे। मैं अभी सिर्फ उन चेहरों की चर्चा कर रहा हूँ जो इन दोनों चर्चाओं में नजर आ रहे हैं, आगे किसी एपिसोड में बाकी के चेहरे भी पहुँचाऊंगा। साथ ही बताया जा रहा है कि पूर्व सांसद हरिओम सिंह राठौड़, उनके पुत्र कर्णवीर सिंह, जिनको बड़े मतलब एक बहुप्रचलित नाम के तौर पर केवी बना कहा जाता है कि वो भी इस दौड़ में बने हुए हैं। हालांकि अभी तक राजनीतिक सरगर्मियों के तौर पर इतनी कोई उनकी चीज़ें सामने नहीं आई है, मगर अलग अलग समय में अपनी सक्रियता के माध्यम से वो क्षेत्र में दिखाई देते रहे हैं। एक बड़ा राजनीतिक चेहरा है, बड़ा ही अच्छे प्रभाव वाला राजनीतिक चेहरा है, तो यकीनन वो भी कहीं ना कहीं से ये जो खबरें छन छन कर आती है, तो इस चुनाव में एक चेहरा बनने की पूरी पूरी कोशिशें की जा रही है। चेहरा दिग्विजय सिंह भाटी मोही भी बनना चाह रहे हैं, वो भी इस दौड़ और होड़ में अपने आप को बनाए रखे हैं। इन दिनों लगातार अपनी सक्रियता और भी अपने अपने जो मंडल है उससे बाहर भी सक्रियता को पहुंचाते नजर आ रहे हैं, एक चेहरा वो भी बनकर उभरे हैं। तो ये मैं सिर्फ उन चेहरों की चर्चा कर रहा हूं जो इन दिनों या तो चर्चाओं के माध्यम से मुझ तक पहुंचे हैं या फिर मैं उनके जो तमाम गतिविधियां हैं उन गतिविधियों के आधार पर आकलन कर रहा हूं। अलावा भी कई चेहरे राजसमंद लोकसभा से भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हो सकते हैं। बदलते समीकरणों में यह भी कहा जा रहा है कि और भी कुछ बड़े चेहरे यहां से चुनाव लड़ने के इच्छुक हो सकते हैं। आगे हालांकि आगे के किसी एपिसोड में मैं तमाम चेहरे पहुंचाऊंगा, आप लोगों से भी आग्रह है कि अपने नाम मुझ तक भेजें, मगर इस एपिसोड के माध्यम से मैं सिर्फ यही कहना चाह रहा हूं कि लोकसभा चुनाव को लेकर सरगर्मियां बढ़ रही है। दोनों ही पार्टियां पूरी कोशिश कर रही है कि पार्टियों के फीडबैक के तौर पर, कार्यकर्ताओं के फीडबैक के तौर पर, ग्राउंड के सर्वे के तौर पर किसी एक ऐसे मजबूत चेहरे तक पार्टी पहुंचे जो आगे आने वाले समय में यहां से एक संभावित विजय पार्टी को दिला सके। तो दोनों ही पार्टियां लगातार मीटिंगों के बैठकों के माध्यम से उस चेहरे तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। पार्टियों के संगठन के तमाम चेहरे, तमाम लोग अब उन सर्वे और उन फीडबैक के माध्यम से चीज़ों को स्पष्ट करने में लगे हुए हैं। हालांकि चीज़ें स्पष्ट कब होगी, लोकसभा चुनाव के अभी दिनांक कब तक तय आएगी, राजसमंद या राजस्थान कौन से चरण में होगा, ये देखने वाली बात होगी। मगर ये कुछ चेहरे हैं जो अभी धीरे धीरे उभर कर सामने आ रहे हैं। इन चेहरों में से ही किसी चेहरे को अवसर मिलता है या कोई नया नाम आता है, ये देखने वाली बात होगी। और मैं भी बहुत जल्द आगामी कुछ ही दिनों में ये एपिसोड भी लेकर आऊँगा कि आखिर लोकसभा चुनाव को लेकर कौन कौन चेहरे दोनों ही पार्टियों से हो सकते हैं। बहरहाल इस एपिसोड में मैंने कोशिश की है कि इन दिनों जो गतिविधियां चल रही है उनसे थोड़ा सा आपको जोड़ सकूं। आप सभी लोग जुड़े रहे राजसमंद एक्सप्रेस से। धन्यवाद।